कैसे खत्म कर दी तुम बना बना के। मसाला कौन पीसा है? और बेटे दोनों लोग गुलेल बनाने की तैयारी। ये अनूप परेशान कर, मतलब बंद तो मार मार को हमको भूसा बना देती। तो देखो कितना परेशान कर रही है। अभी से नहीं लगेगा। इसके बड़ा हो गया है ऐसे बड़ा। मॉर्निंग दोस्तों, देखिए सुबह हो गई है, सब लोग उठ गए हैं और कितना तेज धूप हुआ है आज, एकदम सुबह में धूप हो गया है। और इधर सब लोग अपने काम में लग गए हैं। लाली तो देखिए, इधर अनुपा क्या कर रहे हो जी? दातुन कर रहे हैं और क्या करेंगे, बरस कर रहे हो। कब उठे हो? हो गया 1.5 घंटा। अरे बाप रे, 1.5 घंटा है ना, जल्दी हो गया। तो अनुभव स्वेटर टोपी नहीं पहनेगा क्योंकि अब गर्मी आ गई है। सुपर हो गया। अब गर्मी आ गई है तो अनुप स्वेटर नहीं पहनेगा। क्यों अनुप, कि पहनोगे? तो दोस्तों डाली स्वेटर पहनी है और मम्मी भी पहनी है। तो यहाँ हो रहा है काम धाम। इधर ये कर रही है मटर को साफ। हरा मटर रात में भिगो के रखे थे हम लोग। मम्मी सब सामान सरिया रही है। इतने सारे मिर्चा, चलो अचार बनाया जाए इसका। इधर हम सब्जी के लिए काट रहे हैं टमाटर प्याज। और गैस हो गया ख़त्म तो चूल्हे बनेगा खाना। उधर मम्मी आग भी जला रही है। उधर आग जला रही है, जलाते जलाते भी 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा कहाँ लगेगा? अरे मतलब चूल्हा जलाने में टाइम लगता है, इसलिए पहले से नहीं तैयारी होगा तो नहीं हो पाएगा। आज क्या है? आज बनने वाले छोले। तो इधर व्हाइट वाले मटर है, इसको ले लिए, इसमें डाल दिए 4-5 आलू छिल के। इधर मसाले निकला गए हैं, लहसुन मिर्चा गरम मसाला अदरक। इधर प्याज टमाटर कटा गया है। और दोस्तों देखिए, इतना बढ़िया अब धूप हो जा रहा है तो यहाँ पर खाना भी बढ़िया बन जाएगा, गर्मी भी नहीं लगेगा क्योंकि इसे ठंड का धूप है। वही ना, ऊपर से ठंडी थी तो घर में खाना बनाते बनाते दिमाग खराब हो गया था। क्यों? हाँ, इसलिए गैस भी खत्म हो गया मेन टाइम पे। गैस खत्म कर दी तुम बना बना के। अभी धनिया पत्ती को भी काट लेंगे फ्रेशली। आ इधर, तब तक क्या ले ले आई तुम? चावल। चावल साफ करने जा रही हो? तो डाली चावल पटकने नहीं आता है इसलिए अभी कर रही है। चलिए चावल साफ करना है। इसमें डाल देंगे हल्दी, खड़े मसाले कुछ, थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा गलाता है ना, जल्दी से डाल देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे नमक बस। और इसमें लगा देंगे सीटी। उधर जल गया देखो, मम्मी जला दी आगी। तो उधर छोले बन रहा है, मम्मी चावल साफ कर लेती है, इधर दीदी आ गई है मसाला पीसने के लिए। तो इधर डाली मसाले भी कंप्लीट कर दी है और इधर छोले उबल रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है जी? गुदेल बना रहे हैं। गुदेल इधर बन रहा है, गुलेल, गुदेल नहीं गुलेल कहा जाता है अनूप। तो इधर बन रहा है गुलेल क्योंकि बंदर तो आप लोग देख ही लिए हैं कितना ज़्यादा मेरे घर पे आते हैं, तो थोड़ा बंदर गुलेल से थोड़ा डरते हैं सब, तो इसलिए भाग जाते हैं सब। तो अभी आम फरने वाला है तो दिक्कत हो जाएगी। गुलेल पहले से बना के रख लें अनूप? क्यों अनूप? नहीं देखो, कब से चावल साफ हो रहा है, 1 घंटा हो गया अनूप, अभी तक नहीं हो पाया। मसाला कौन पीसा है? मसाला पीसी है, इसीलिए लेट हो गया। तुम्हारा टोपी इज वेरी बैड। तो इधर कर रहे हैं माँ और बेटे दोनों लोग गुलेल बनाने की तैयारी। बनाने आ नहीं रहा है, बनाते जा रहे हैं दोस्तों। बना लेंगे यार। देखिए दोस्तों, पीछे आ गए हम। अब पीछे गेहूँ कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, अभी नहीं देखते देखते कितना ज़्यादा बड़ा हो गया आग के सामने ही। अब 1-2 महीने में लगेगा फूटने, ये 1 महीना में लगेगा फिर फूटने, होली तक तो फूट ही जाता है। तो धूप आज अच्छी खासी हुई है, देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं। देखिए दोस्तों, कितना छोटा सा बच्चा कितनी छोटी सी साइकिल चला रहा है। का करत तड़ो
खेत देखे गए लला अच्छा ये खेत देख रहा था कि कोई बकरी ना पाटे इसमें नहीं तो लगेंगे सब खेत वाले मारने। देखिए दोस्तों कितना छोटा सा साइकिल चलाते हुए जा रहा है। इधर अनूप गुलेल बना के पीछे आ गए हैं अभी पीछे कभी लेने के अनूप अभी यार अभी गुलेल बनाए तो बंदर देखो अरे हाँ जी रोड पे देखो बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों जस्ट गुलेल बना के आ रहा है जस्ट बंदर आ गए सब वहाँ पे कुछ लेक दे दिए खाने के लिए खा रहा है अब तो फिर से परेशान करेगा अनूप नहीं गुलेल बना दिए हैं दिक्कत वाली बात नहीं गुलेल बना दिए दिक्कत वाली बात नहीं है अरे तब वो बंदरवा आ जाएगा सारा मुंह खा लेगा मतलब फूल आ रहा है लेकिन अब फरेगा बहुत जल्द जब आम फरेगा ना दोस्तों तो आप लोग के साथ दिखाएंगे इतनी मस्त व्यू आती है आम वाली क्यों अनु इतना ज्यादा फरता है ना कि जो हमको बहुत पहले से देख रहा होगा हमको एक साल पहले से देख रहा होगा ना वो जान रहा होगा क्योंकि इसी टाइम में हमने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था मतलब चैनल अभी एक साल नहीं हुआ है जिस दिन एक साल होगा बताएंगे दोस्तों तो इस दिन से स्टार्ट किए तो समझ ही सकते हैं कि आम का सीजन था और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे जो मुझे पुराने टाइम से देखते होंगे वो देखे होंगे बहुत ज़्यादा आम फरता है और मज़ा आता है आम का सलाद बना के खाने में क्यों अनूप गर्मी में कितना हम लोग आम का सलाद बनाते थे हमको नहीं पसंद तुमको खट्टा चीज़ पसंद है ना ये तो क्या खाओगे लड़कियों को बहुत पसंद है मेरे को तो पसंद है दोस्तों आम का सलाद बहुत ही अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है आम का मुरब्बा और पकाया हुआ आम सबके अपने अपने पसंद है क्यों तो देखिए इधर डाली को भी अच्छा नहीं लगा हम अनूप पीछे हैं तो ये भी आ गई आप लोग कहते डाली बहुत सीधी है देख लीजिए झड़कने आ गई हम लोग से इसको पकता नहीं है ऐसे क्या अनूप परेशान करता है और अनूप पे बिना नहीं रह पा रहे हैं लोग और देखो टिसुराई करती है धीरे धीरे देखिए दोस्तों इसका हाथ ठंडा है तो इसको सटा के इसको परेशान कर रही है देखिए देख लीजिए आ गए झगड़ा करने दोनों भाई बहन उतना नहीं आती है जब कैमरा बंद तो मार मार को हमको भूसा बना देती है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं है मारपीट नहीं होता है उतना हंसी मजाक होता है भाई बहन में क्यों अनूप वरना किस चीज का भाई बहन जिसमें लड़ाई ना होती हो और उसको भी अच्छा लगा तो आ गई अनूप के पीछा करते करते और मम्मी अकेले खाना बना रही है देखो देखो कितना परेशान कर रही है अभी से नहीं लगेगा तो दोस्तों देख लीजिए दोनों लोग की लड़ाई टूट जाएगा उसका हाथ हवा तो उसका हाथ टूट जाएगा तो कौन बनाएगा मसाला वहाँ पीसेगा बंदर आ रहा बंदर आ गया सर जी तुम्हारे चाचा बंदर जी नहीं तुम्हारा दोस्त है तुम्हारा दोस्त तुम्हारी सहेली है हमारा दोस्त स्कूल में तो तुम्हारा फ्रेंड होगा तभी तो उत्पाद का मन बचाता है उत्पाद लड़कियां नहीं उत्पाद करती हैं ज्यादा बंदर करते हैं अभी इधर दोस्तों देखिए छोले में सीटी आ गई है और डॉली ने सीटी लगा रही है क्या हो रहा है पानी फेंकता अरे कौवा कितना काँव काँव करता है जी इधर रख दिया कढ़ाई छोले में सीटी आ गया तो कढ़ाई रख दिया तेल गर्म हो गया इसमें डालेंगे जीरा 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 चटकेगा कि खड़े मसाले नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि हम जो भी खड़े मसाले थे छोले में डाल दिए हैं तो बात बराबर ही आएगा अब इसके बाद से क्या जाएगा प्याज जाएगा प्याज लहसुन मिर्चा नहीं वाली प्याज सब पिसा गया लहसुन मिर्चा अदरक गरम मसाला सब पिसा गया तो अभी प्याज जाता है दोस्तों प्याज ब्राउन हो गया है सब टमाटर डालेंगे टमाटर देख मिनट भून गया इसमें डालेंगे मसाला पिसा हुआ हल्दी डाल देंगे नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार और हम लोग दोस्तों बहुत सिंपल मसाला खाते हैं ज़्यादा मसाला वसाला नहीं खाते हैं ज़्यादा मसाला खाने से नुकसान करता है इसलिए हम लोग का जो भी देसी मसाला है बस इतना ही है ज़्यादा तांझा नहीं करता सब्जी में तो मतलब स्वाद में कोई कमी नहीं होती है दोस्तों बहुत ही अच्छी देखो और खुशबू आ रही है ना अरे खुशबू मस्त आता है आ रही है मतलब इतना गैस को खुशबू नहीं देता जितना चूल्हे पे देता है बनाने में चूल्हे पर का खाना अच्छा लगता है खाने में स्वाद बढ़ जाती है ये छोले बन गए छोले इधर बॉयल हो गए हैं अभी आलू को निकाल के मैश करेंगे
आलू को निकाल के मैश कर लिए थे, अब इसे छोले में डाल देंगे। मसाले से गर्म हो गया है, एकदम अच्छे से भुन गया है, नमक प्याज टमाटर अच्छे से गल गया है। अब इसमें छोला जाएगा, अब इसमें डायरेक्ट छोला डाल देंगे, बहुत सिंपल है। तो इधर छोले बन के रेडी हो गए हैं, डालेंगे हम फ्रेश धनिया पत्ती। इधर छोले बन गए, धनिया पत्ती पड़ गया, अब इसको नीचे उतारेंगे, चावल रखेंगे। अभी चावल को रख देते हैं। A few minutes later. तो इधर अभी देखिए दोस्तों, सबके लिए खाना दीदी लगा दी है। इधर छोले कितने मस्त बने हुए हैं, तो अभी छोले को भी निकाल लेती है। तो देखिए दोस्तों, खाना बन गया, दोपहर का टाइम हो गया, अनुप घूम घूम के चला आया। छोला चावल आप लोग ने देख लिया, बहुत सिंपल छोला चावल बनाया हम, और मजा आ जाएगा खाने में। सिंपल है लेकिन बड़ी झकास है, मजाक नहीं। कैसा और डाली जी, नींबू का अचार, ऐसे छोले चावल बनाते रहो, बड़ी मस्त लग रहा है खाने में। अम्मी कैसा हुआ खाना? बड़ी अच्छा। तो दोस्तों लोग खाना खा रहे हैं, भी चलते खाना खाते, मिलते हैं सिग्नल ब्लॉग में। प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।